के लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करके समाअत 4 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर सड़कों पर लेन की पाबंदी हो जाए तो आधी आलूदगी कम हो जाएगी। अब देर शाम तक पहुंचा रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इबादुल हक। शाहिद करीम ने इस मामले पर समाप्त की। अदालत ने इस बात पर खौफ का इजहार किया कि लेन की पाबंदी ना करने की वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है, अगर इस पर पाबंदी की जाए तो आधी स्मोक तो खत्म हो जाए। अदालत ने ये भी बावर करवाया कि जो लोग लेन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जुर्माने किए जाए। अदालत ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि कूड़ा सड़कों पर फेंक दिया जाता है। अदालत ने हिदायत की जो कूड़ा सड़कों पर फेंकते उन्हें जुर्माने किए जाए ताकि लोग सड़कों पर कूड़ा जो ना फेंके। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को दरख्त काटने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, इबादुल हक बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।